بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ये हम पोल्ट्री एजुकेशन के लिए जो हम हाइको इस प्लेटफॉर्म से हम जो हम कोर्सेज हमने जो लॉन्च किए हैं उसका जो हमारा पहला कोर्स जो है हमारा जो बेसिक्स है वेंटिलेशन फॉर पोल्ट्री हाउसेस उसका जो सेशन है उस सेशन में हमारे साथ हैं हमारे डॉक्टर नईमुल हसन। और यह है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके भी प्रेजेंटेशन चल रही हैं, तो जो भी उन्होंने लर्न किया है तो वो जो अर्न किया है तो उसकी प्रेजेंटेशन है। तो मैं डॉक्टर नईमुल हसन को दावत दूंगा वो स्टार्ट करें जो उन्होंने इस कोर्स पे लर्न किया है और हमें बताएं। और फाइनली प्लीज स्टार्ट जी, डॉक्टर नईमुल हसन वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नईमुल हसन, ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ रावलाकोट, सेशन 2006 से 2011। उसके बाद 3 साल मैंने मार्केटिंग की है, तो 2015 में मैंने जो है ना वो ब्रॉयलर फार्मिंग जो है ना वो ज्वाइन किया AW ग्रुप। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि वेंटिलेशन है क्या। वेंटिलेशन में हम बाहर से जो ताजा हवा उसको शेड के अंदर जो है ना वो लेके आते हैं, और शेड के अंदर गैसेस होती हैं, हेलो जी सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जब हम ताजा हवा जो है वो शेड के अंदर लेके जाते हैं तो शेड के अंदर जो जहरीली गैसेस होती हैं उनको हम रिमूव करते हैं। जहरीली गैसेस कौन कौन सी होती हैं? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चीजें जो है ना वो हम जो है ना वो रिमूव करनी होती हैं। अब वेंटिलेशन करते क्यों हैं? वेंटिलेशन जो है वो परिंदों जो बर्ड हमारा होता है उसको अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है, उसकी उसको ग्रोथ की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम जो है ना वो वेंटिलेशन करते हैं। बर्ड का जो मेटाबॉलिक शरह होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से हम जो है ना वो वेंटिलेशन करते हैं। उसके अलावा जो हमारा लीटर होता है उसको खुशे करने के लिए हम जो है ना वो वेंटिलेशन करते हैं। उसके अलावा पोल्ट्री शेड में जो हम ताज़ा हवा उसको हम बरकरार रखने के लिए और जो अंदर जो जहरीली गैसेस होती हैं उनके अखराज के लिए जो है ना वो हम वेंटिलेशन करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि वेंटिलेशन के मोड जो है ना वो कितने हैं। वेंटिलेशन के 4 मोड हैं। नंबर 1 मिनिमम वेंटिलेशन, राइट। नंबर 2 साइडेशन और नंबर 4 ट्रांजिशनल वेंटिलेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिमम वेंटिलेशन की। मिनिमम वेंटिलेशन को हम टाइमर बेस वेंटिलेशन भी कहते हैं। ये हम कब करते हैं? जब हमारा हाउस का जो टेम्परेचर होता है, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है, बाहर का टेम्परेचर अगर उससे कम हो तो हम मिनिमम वेंटिलेशन जो है ना वो करेंगे। अब मिनिमम वेंटिलेशन जो है वो हम 2 बेस पे करते हैं, एक बर्ड की बॉडी वेट के हिसाब से और दूसरा बर्ड की क्वांटिटी के हिसाब से। अब हम जब बात करते हैं बर्ड की क्वांटिटी के हिसाब से तो हम उसको पहले हफ्ते जो है वो 0.1
जीरो पहले हफ्ते जो है वो उसको हम जो वेंटिलेशन करेंगे वो करेंगे 0.1, दूसरे हफ्ते 0.25, तीसरे हफ्ते 0.35, चौथे हफ्ते 0.50, इसी तरह वेट के साथ साथ आप ठीक है CFM, ये CFM में आ रहे हैं आप 0.6 तक जो है ना वो हम लेके जाते हैं, 8 तक भी 0.8 तक भी लेके जाते हैं। ये है बल्ड की क्वांटिटी। अब इसमें एक बात आ जाती है कि जब हम पहले हफ्ते वेंटिलेशन करेंगे जीरो, तो हम पहले डे पे 0.1 CFM नहीं देंगे, हमने ये जो 0.1 CFM हमने बर्ड को देनी है वो हमने ओवरऑल पूरे वीक में देनी है। तो हम क्या करेंगे कि 0.1 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास इसका जवाब आएगा वो डे ओल्ड पे होगा 0.014, ये हम डे ओल्ड पे देंगे और इसमें 0.014 जो है ना वो ऐड करते जाएंगे तो हफ्ते का जो हमारी वेंटिलेशन होगी, जो हमें रिक्वायर्ड वेंटिलेशन होगी वो 0.1 तक जो है ना वो हम पहुंच जाएंगे। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं बोलते जी सर, आवाज आ रही। मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं इसमें, एक चीज ऐड कर दूं इसमें कि आपने जो आपका थंब रूल है मिनिमम वेंटिलेशन रेट जो है आपका ब्रायलर लेयर ब्रीडर जो है वो है 0.5 CFM पर केजी। ये आप अपने पास अपने इस चीज को फॉलो आपने इस चीज को करना है। और CFM ठीक है जी, क्यूबिक फुट पर मिनट, ये इस चीज को फॉलो करना है। बाकी अगर आपने देखे वेट वाइज आप दे 1, 2, 3, 4 निकालेंगे तो वो अलग है, लेकिन आपने जो फॉलो करना है अगर 1 kg का बर्ड है उसको 0.5 CFM आपने देनी है। तो डेफिनेटली आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ बर्ड्स लेने हैं ठीक है, उसके बाद उनके साथ उनका वेट ले लेना है। वेट आपने लेना है, अगर आप लेते हैं ग्राम में तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, अगर आप उसको केजी भी लेते हैं फिर आप 1000 डिवाइड भी कितनी करेंगे, लेकिन डेफिनेटली छोटा जो होता है वो ग्राम में होता है, तो आप ग्राम में वेट लें और उसके साथ 0.5 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 1000 से, तो आपका CF आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज डॉक्टर रेवलसन आप स्टार्ट करें प्लीज। में ये है कि अगर हम 1 kg से नीचे से वेंटिलेशन उसको देंगे तो वो 0.5 उसके नहीं होगी, उसको जो हम स्टार्ट करेंगे 0.1 CFM से डे ओल्ड को, फिर उसको हर हफ्ते इंक्रीज करते जाएंगे। अगर हम करते हैं उसके क्या कहते हैं बॉडी वेट के हिसाब से CFM देते हैं तो उसको हम 0.5 से स्टार्ट करके 1 तक लेके जाएंगे, 0.CFM से लेके 1 CFM तक जो है ना वो लेके जाएंगे। लेकिन आपके पास थंब रूल आप सबको ये पता होना चाहिए कि आपने 1 kg बर्ड की 0.5 CFM है। डेफिनेटली अगर वो आप 40 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, 60 ग्राम का है, तो आपको डेफिनेटली वो आप उसको डिवाइड कर देंगे उसको ठीक है। आपने अगर आपके पास नेट पर जो बर्ड भी है उसको अगर आप 40 ग्राम का है उसको 1000 डिवाइड करके कर देंगे, मल्टीप्लाई 0.5 कर देंगे, तो ये भी आपका है। और दूसरा एक और चीज बड़ी अहम बात है, तो मैं ऐड कर दूंगा आपको, ये जो हम थंब रूल बता रहे हैं आपको, ये थंब रूल जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो देन यू विल गो टू द शेड इनसाइड द शेड और वॉच द बर्ड। अगर बर्ड आपको फील कर रहे हैं कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उनकी साउंड जो है वो हैप्पी साउंड है, तो सब कुछ ओके है। अगर आप देखते हैं कि बर्ड इतनी फील नहीं कर रहे, सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसको उस रेट को आप बढ़ा दें ठीक है। अगर अगर आप देखेंगे आप जाते हैं और आप सर्दी महसूस कर रहे हैं, ठंड महसूस कर रहे हैं, तो आप उसको कम कर दें। ये चीज ऐड कर ले डॉक्टर नईम उल हसन, प्लीज आप आगे चले। यह कि अगर हमें फैन की जरूरत है, 5 मिनट का जो हम साइकिल बताते हैं उसमें अगर हमें फैन की जो जरूरत पड़ रही है वो 4 मिनट के बाद 1 मिनट है,
तो उसमें हम देखेंगे कि बर्ड जो है ना वो कंफर्टेबल है या नहीं है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको वो क्या कहते हैं कि ठंड की तरफ जा रहा बर्ड, तो उसको हम जो है ना वो वेंटिलेशन उसकी जो 4 मिनट के बाद 1 मिनट हमने ऑन किया, उसको हम जो है ना वो डिक्रीज कर देंगे, उसका ऑन मिनट जो है ना वो हम 40 सेकंड कर देंगे, या उसका जो ऑफ टाइम है वो 4.5 मिनट कर देंगे। राइट, अब नेक्स्ट सर, उसके बाद आ जाता है कि साइड मोड वेंटिलेशन, इसको हम जो है ना वो टेम्परेचर या थर्मोस्टेट बेस्ड जो है ना वो वेंटिलेशन भी कहते हैं। ये वेंटिलेशन हम कब करते हैं, जब हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के बराबर हो या 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो अप हो, तो इस वक्त जो है ना वो हम साइड मोड वेंटिलेशन करते हैं। और साइड मोड वेंटिलेशन में हम जो हवा होती है, जो बाहर से हमने हवा लेनी होती है, वो इनलेट के जरिए हम लेंगे। जब हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाएगा तो हम जो है ना उधर ट्रांजिशनल वेंटिलेशन जो है ना वो यूज करेंगे। अगर टेम्परेचर हमारा बहुत अप हो गया तो हम उस वक्त जो इनलेट है वो बंद कर देंगे और पैड के जरिए जो है ना वो हवा लेंगे। जिस तरह आजकल का मौसम है तो हम इसमें जो है ना वो टनल वेंटिलेशन जो है ना वो यूज करेंगे, हमारे जो इनलेट है वो मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। और टनल वेंटिलेशन एक चीज है कि हमें नमी जो है ना, ह्यूमिडिटी वो बहुत ज्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम फुट के फासले पे बैफल या पल्ली वगैरह जो है ना वो यूज करेंगे, और अंदर जो है उसको जो स्टैटिक प्रेशर है, एयर स्पीड है, उसको बढ़ाएंगे, जिससे हमारी जो ह्यूमिडिटी है वो कम होगी। और दूसरा, आपने ह्यूमिडिटी कम करने का तरीका ये बताया था कि हमने 5 किलो नमक जो हमारी पैड की होदी होती है, जो होल होता है, उसमें 5 kg नमक डालेंगे और 1/2 किलो रॉ मेंथोल जो है ना वो यूज करेंगे, और 4 या 5 या 6 जो है वो शैम्पू के यूज करेंगे। इससे भी जो है ना वो ह्यूमिडिटी जो है ना वो कम होगी और बर्ड जो है ना वो कम्फर्टेबल होगा। ये इसके अलावा हम जो है ना वो मंथोल का जो है ना वो बर्ड के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर जून जुलाई के महीने में नमी जो है वो बाहर भी माहौल में भी काम होती है, उसके लिए हमने अंदर जो है शेड के अंदर फोग सिस्टम जो है ना वो यूज करेंगे, और फोग सिस्टम जो है वो हम 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको जो है ना वो ऑन कर देंगे और 55 पे उसको जो है ना वो ऑफ कर देंगे। जब हम 55 पे उसको ऑफ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 65 तक जो है ना वो नमी जो है ना वो चली जाएगी। तो हमारी जो नमी है वो 45 से 75 तक जो है ना वो आइडियल है। तो अगर इससे ऊपर चली जाएगी तो उसमें हमें H9 के, मैं थोड़ा सा इसमें ये चीज ऐड कर दूं कि अगर हमारी नमी जो है वो 80% से अबव जाती है तो हमें जो प्रॉब्लम आएगा वो H9 का आएगा। अगर नमी 45 से कम होती है तो हमें जो प्रॉब्लम आएगा वो IB का आएगा। ये स्टूडेंट के लिए इसमें मैंने ये थोड़ी सी चीज ऐड की है डिजीज के हवाले से। बल्कि आप ये भी ऐड करें कि जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो आपकी इसी से वेंटिलेशन की वजह से आती है। वेंटिलेशन इज द जिस्ट ऑफ एवरी पोल्ट्री हाउस, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी कि जितने भी प्रॉब्लम हमें क्रिएट होते हैं वो वेंटिलेशन की वजह से क्रिएट होते हैं। हम प्रॉब्लम जो है वो अगर बाहर प्रॉब्लम चल रहे हैं तो हमारी वेंटिलेशन बेहतर है तो हम जो है ना हमारे प्रॉब्लम जो है ना वो 50% कम हो जाएंगे। यानी कि वेंटिलेशन जो है वो पोल्ट्री हाउस की है, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। डॉक्टर रहीमुल्लाह सर, एक और ऐड करें आपकी प्रेजेंटेशन में। एक चीज मैं आपको कहूंगा कि मैंने आपको बताया कि मैं बता रहा था, मैंने उस दिन भी मैं ये हमारी डिस्कस हो रही थी एक इंटरनेशनल फोरम पे, तो उस फोरम पे मैंने उन्हें ये कहा था कि मैंने पोल्ट्री को 2 चीजें दी हैं, 2 वर्ड दिए हैं, तो उसमें ये मैंने जिक्र किया कि मैंने कहा कि आफ्टर द बायोस्कोटी I added a new word, bio ventilation.
बिकॉज इट्स मैटर, ठीक है, इट्स मैटर, और ये इट्स बेस्ट फॉर योर चिकन एंड योर स्टाफ, योर वर्कर और ह्यूमन ऑल्सो. तो ये बायोवेंटिलेशन का एक वर्ड अपने पास ऐड कर ले आप फ्रॉम द हाइको. तो ये बायोवेंटिलेशन इज द लाइफ ऑफ योर चिकन यार. ये चीज किसी ने अभी तक ऐड ही नहीं की थी, हमने इसको ऐड किया क्योंकि हमारा फोकस जो था मेन वेंटिलेशन पे है. जी फिर जी सर, बिल्कुल आपने अच्छा इसमें ये ऐड किया कि बायो मेन हमारा से पहले जो हमारा मेन चीज है वो है बायोसिक्योरिटी. अगर हमारी बायोसिक्योरिटी निल है तो हम जितनी मर्जी बेहतर वेंटिलेशन कर लें हम में प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट होते रहेंगे. तो उसके लिए बायोसिक्योरिटी के लिए जो हमारे इर्द गिर्द चार दीवारी वगैरह है वॉल्स हैं वो मुकम्मल जो है ना वो सील होनी चाहिए ताकि बाहर से जो डॉग वगैरह हैं या जो हमारा अंदर मोर्टैलिटी वाला खड्डा होल वगैरह उसको प्रॉपर जो है ना वो बंद होना चाहिए ताकि जो बाहर से बर्ड कवे वगैरह जो है ना वो मेन सोर्स कवे हैं क्रोज जो है ना वो मेन सोर्स है बायोसिक्योरिटी जो है ना वो लीक करने का. डॉग तो इतनी दूर से सर्वाइव नहीं करते, इतनी दूर नहीं जाते, लेकिन कवा जो है वो मेन सोर्स है हमारी बायोसिक्योरिटी लीक करने का. तो इसलिए हमारे जो शेड के अंदर बाज फॉर्म वाले जो है ना वो मोर्टैलिटी बाहर फेंक देते हैं जिसकी वजह से दूसरे लोगों को बायोसिक्योरिटी के हवाले से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं. तो बेहतर यही है कि जो मोर्टैलिटी है वो चाहे आपकी फ्लॉक की 2000 है चाहे 10000 है उसको प्रॉपर जो है ना वो शेड के अंदर ही मैनेज करना चाहिए. वेरी गुड, उसके बाद सर आ जाते हैं कि शेड के अंदर लेवल होता है वो 19.5% से ज्यादा होना चाहिए और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है वो 3000 ppm, लेस देन 3000 ppm या लेस देन 0.3%, और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल है वो लेस देन 10 ppm, इसी तरह अमोनिया का जो लेवल है वो लेस देन 10 ppm, और जो अंदर डस्ट वगैरह हैं वो लेस देन 3.4 mg, और जो ह्यूमिडिटी है वो मैंने पहले भी बता दी है कि वो 45 से 65 के दरमियान जो है ना वो होनी चाहिए, और उसके मैंने नुकसान भी बताए हैं कि हमें कौन कौन सी जो है ना वो डिजीज जो है ना वो क्रिएट हो सकती है कम ह्यूमिडिटी की वजह से और ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से. ये इसको रिपीट कर दें आप डॉक्टर सैयद, ये जो आपने बताया रिक्वायरमेंट ए रिक्वायरमेंट और ये बाकी चीजें, तो ये दोबारा इसको रिपीट कर दें आप प्लीज. ऑक्सीजन का जो लेवल है वो शेड के अंदर 19.5% ग्रेटर देन 19.5% होना चाहिए, 19.5% ग्रेटर देन, और जो बाकी जितने भी लेवल हैं हाँ वो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड है अमोनिया है वो शेड के अंदर लेस होने चाहिए. अब अमोनिया का जो लेवल होता है वो हमारी हाइट पे होता है और जो कार्बन डाई और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल होता है वो नीचे होता है. सर्दियों में हम सर एक चीज में मैं ऐड कर दूं कि सर्दियों में हम जो ब्रूडिंग सिस्टम लगाते हैं ब्रूडिंग के लिए जो हम जिस एरिया में ब्रूडिंग करते हैं तो हम फैन की तरफ एक जो है ना वो छापर लगाते हैं छत से नीचे तक, तो वो कुछ लोग जो है ना उसको ऊपर से खुला देते हैं और कुछ लोग जो है ना वो नीचे 1 फुट या 1.5 फुट से नीचे को खुला देते हैं. हम मोस्टली जो हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं वो हम जो नीचे खला देते हैं 1.5 फुट के फासले पे, उधर से ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैसें जो है ना वो भारी होती हैं और ये नीचे होती हैं यानी कि 1.5 फुट के फासले पे होती हैं, जिसकी वजह से ये जब हम नीचे उसको खला देंगे कुछ छापर वगैरह सील होगा और नीचे से हम जब इसको जो है ना वो 1 फुट या 1.5 फुट के फासले पे खला देंगे तो वहां से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों जो है ना वहां से आसानी से रिलीज हो जाएंगी. रह गई अमोनिया की बात, वो उसका जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो 5-6 फुट के फासले पे होता है, तो हम उधर जो है ना वो छोटे छोटे जो है ना
वो सुराख कर लेते हैं ताकि अमोनिया गैसेस भी आसानी से रिलीज हो जाए और कार्बन डाई और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आसानी से रिलीज हो जाए। वेरी गुड वेरी गुड। और इसमें इसमें आप ये भी ऐड करें कि ये जो गैसेस हैं, ये जो डॉक्टर नईमुल हसन एक चीज ऐड करें, ये सारी जो गैसेस हैं, ये सारी जनरेशन है, मिसमैनेजमेंट ऑफ योर वेंटिलेशन होती है। जब आपकी मिसमैनेजमेंट होती है वेंटिलेशन, तो आपकी नमी ज्यादा हो जाती है, देन आपका लिटर जो है, आपका बूरा जो है वो वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, उसमें केक्स बन जाते हैं, उसकी जो है पूरी जो है वो खराब हो जाता है, और फिर वहां से जनरेशन शुरू होती है आपकी ये सारे गैसेस की। तो जब आप वेंटिलेशन आपको वेंटिलेशन पे फोकस करेंगे, जब आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन होगी, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ये चीजें आप देखें, ये सब मिस मैनेजमेंट ऑफ द वेंटिलेशन है। यस प्लीज। जब हमारा जो लीटर है वो गीला होगा तो हमें जो है ना वो कॉक्सी के प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट होंगे, यानी कि लीटर गीला होने जो डिजीज प्रॉब्लम आएगी वो कॉक्सी की आएगी। हमने डिजीज प्रॉब्लम को भी देखना है और हमने लीटर को करना, यानी कि हमने दोनों चीजों को देखना है। हमने अपना लीटर भी जो है ना वो ड्राई रखना है ताकि हमें जो है ना वो कॉक्सी जो है ना उसके डिजीज कॉक्सी की जो डिजीज ऑफ कॉक्सी है वो हमारे शेड में ना आए। अगर लीटर ज्यादा गीला होगा तो कॉक्सी वहां जो है ना वो पैरासाइट ग्रो करेंगे, जब पैरासाइट ग्रो करेंगे, हालांकि उसमें सर एक चीज में ऐड कर दूं कि हमारे शेड के अंदर जो बैक्टीरियल या पैरासाइट है वो पहले डे से मौजूद है, वो उस वक्त ग्रो करेंगे जब हमारी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो उस वक्त जो है ना वो उनको माहौल मिलेगा, जब उनको ग्रो करने का माहौल मिलेगा तो हमारी जो है ना वो शेड में डिजीज का आउटब्रेक जो है ना चूजा स्ट्रेस में आएगा और डिजीज का आउटब्रेक जो है ना वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास पहले दिन से मौजूद है। बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, जो भी है वो हमारे पास पहले से मौजूद है, लेकिन उनको अगर फेवरेबल माहौल जहां भी मिल गया वो शेड के अंदर जो है ना वो चूजे को स्ट्रेस में लेके आएगा, जिसकी वजह से कोई ना कोई बैक्टीरियल या दूसरी जितनी भी वायरल प्रॉब्लम है वो हमें क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कि वेंटिलेशन पे जो है ना वो आपने बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है। और उसके बाद आपने सर बताया था कि शेड को डिजाइन करने के लिए हमें जो एयर स्पीड चाहिए वो 600 फुट पर मिनट के हिसाब से जो है ना वो हम शेड को डिजाइन करते हैं, या 0.3 मिनट पर सेकंड के हिसाब से जो है ना वो शेड को डिजाइन किया जाता है। उसके बाद सर थ्री मीटर पर सेकंड या 600 फुट पर मिनट के हिसाब से जो है ना वो डिजाइन किए जाते हैं। उसके स्मोक टेस्ट का था वो आपसे जो है ना वो सीखने को मिला, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मैंने तो स्मोक टेस्ट का जो है ना वो देखा नहीं है, वो आपसे सीखने को मिला है कि मिनिमम वेंटिलेशन में जो है ना वो बर्ड आने से पहले स्मोक टेस्ट जो है ना वो किया जाता है कि आया कि उसका जो स्मोक का कि वो प्रॉपर जो है ना वो एक उसका जो छत की तरफ उसका लेवल है या नहीं है। ठीक है, बर्ड आने से पहले हम इसको जो है ना वो चेक करते हैं। और स्मोक वेरी गुड डॉक्टर, का जो बिहेवियर होता है उसको जांचने के लिए जो है ना वो स्मोक टेस्ट आता है। वेरी गुड। तो आज के लिए सर इतना ही, बाकी इंशाल्लाह। रियली डॉक्टर नईमुल हसन, आई रियली अप्रिशिएटेड यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने बड़ी अच्छी चीजें, बड़ी अच्छी उसको पैरामीटर में बड़े अच्छे अंदाज में उसको की। तो देखे, हम चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो, आपकी जब तरक्की होगी ना तो फिर पाकिस्तान की तरक्की होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा मेन जो है इसका है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नईम, बड़ा अच्छा लगा आपकी प्रेजेंटेशन पे, और बड़े ही अच्छी चीजें आपने इसको की। और कोई बात रहती है आपकी डॉक्टर नईम? आपके प्लेटफॉर्म से